नमस्कार, आप लाइफस्टाइल्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, जिसके बाद बिहार में बवाल शुरू हो चुका है। एक तरफ राजद के नेता ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के डर से बीजेपी ने यह कदम उठाया है, वहीं जेडीयू ने साफ साफ कहा है और खुली चेतावनी दी है कि हमारे पास एक वीडियो है मोहन यादव का। और इधर बीजेपी ने जमकर निशाना साधते हुए राजद और जेडीयू को जमकर खूब सुनाया है। किस तरीके से तीन नेता आपस में भिड़ रहे हैं मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने पर, इस वीडियो में देखिए। खोज के निकाला है, ऐसा शानदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया भाजपा ने, जिसका जिनका वीडियो फुटेज है। किस चीज? उसने जगत जननी सीता के बारे में टिप्पणी किया भाषण में, कहा कि माँ सीता जंगल नहीं गई थी, बल्कि उनका तलाक हुआ था भगवान राम से। तलाक हुआ था। तलाक, तलाक, यही शब्द का इस्तेमाल किया है। ऐसे अज्ञानी को बनाया है विधायक दल का नेता, जिसने यह कहा कि माँ सीता पृथ्वी में नहीं गई थी, बल्कि आत्महत्या कर ली थी। लज्जा नहीं लगता है बोलने में? और आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सहमति से मनोहर लाल खट्टर पर्यवेक्षक थे, जो माँ सीता का अपमान करे उसको भाजपा में सम्मान मिल रहा है। और जगत जननी सीता बिहार के सीतामढ़ी से हमारी भावना जुड़ी हुई है। देश की राजनीति में आदरणीय लालू प्रसाद जी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी विचारधारा जो कण कण में समाया हुआ है देश के अंदर में। आज हर पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो कोई हो, पिछड़ा दलित को नकारने की हैसियत अब किसी में नहीं है। ये देन आदरणीय लालू प्रसाद जी का है। और लालू प्रसाद जी सदैव धर्मनिरपेक्षता, खेत खलिहान, किसान मजदूर की बात की है। भारतीय जनता पार्टी सामयिक रूप से कभी कभी निर्णय लेती है, इसके पहले भी निर्णय शायद आप लोगों को ज्ञात है कि नहीं है, बाबूलाल गौर को बनाए थे। और जब बाबूलाल गौर जी को हटाया तो किस तरह से बेइज्जत किया कि फिर मुख्यमंत्री को एक मंत्री बना दिया मुख्यमंत्री के अंदर में। देश की राजनीति की कैसी धुरी आदरणीय लालू प्रसाद जी है, जहां सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, खेत खलिहान, गांव, किसान और मजदूर की बात करने वाले लालू प्रसाद जी के उदर से कितने लोग। और लालू जी एक ऐसे विचारधारा है कि भाजपा डरती है, परेशान है। महागठबंधन के लोग परेशान क्यों हैं? माता और पिता और चचा और भतीजा के बिहार में लगभग 38 साल से सरकार लोग देख रहा है। जिस तरह से जातिवाद, धर्मवाद हावी था महागठबंधन के सरकार में, एनडीए की सरकार में, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबी लकीर खींच दिया है। जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैनिस्ट हो, सभी समाज के लोगों को एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। जैसे आपने देखा है कि यादव समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, सभी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, जातवाद की पार्टी नहीं है। ये महागठबंधन के नेता एक तरफ संविधान के हवाला देते हैं और संविधान के हवाला देने वाले लोग परिवारवाद से बाहर नहीं निकलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता, राजतंत्र को ख़त्म करके प्रजातंत्र लाया, महात्मा गांधी जी का यही सोच था, कर्पूरी ठाकुर जी का यही सोच था, जयप्रकाश नारायण जी का यही सोच था, लोहिया जी का यही सोच था कि पिताजी के बाद से माता जी बनेगी, माता जी के बाद से पुत्र जी बनेंगे, पुत्र जी के बाद से पुत्र बधू बनेगी। ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है, बिहार की जनता ये जान। तो आपने देखा, मध्य प्रदेश के बाद बिहार में भी सियासी उफान है और मुख्यमंत्री मोहन यादव को मध्य प्रदेश का बनाया गया, जिसके बाद बिहार में तीनों पार्टियां एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रही हैं। आपने सुना भी है तीनों नेताओं का क्या कुछ कहना है और आगे देखना, क्या बिहार में भी यही खेला देखने को मिलता है, क्या बिहार में भी कोई यादव समाज से आने वाला मुख्यमंत्री बनता है, ये भी देखने वाली बात है। बहरहाल इस फोन बस इतना ही। अगर आपने लाइव चिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द लाइव चिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।